ओके, आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 इंटेलिजेंस। पर्सनैलिटी का पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें नेक्स्ट फेज हमारे पास है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमारे पास बहुत तरह की होती है और इसकी बहुत सी जो है डेफिनेशन भी हैं, और इसलिए आज तक टिल टू डेट ये टॉपिक जो इंटेलिजेंस है इसकी डेफिनेशन जो है ये कंट्रोवर्शियल है। इसमें आज तक 100% कोई भी इंसान बात नहीं कर सका कि इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, किस तरह से है, इसमें क्या चीज़ें की जाती हैं, क्या नहीं की जाती। तो इसलिए हर एक के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, जो जो कंप्रिहेंसिव कंसिडर की जाती हैं उन्हीं पे बात करेंगे। और जो है हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के टॉपिक के, हमारे कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं जिनको हमने कवर करनी है। फर्स्ट वन है हमारे पास इंटेलिजेंस एंड इट्स टाइप्स। इंटेलिजेंस क्या होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसकी टाइप से बहुत सी बातें की गई हैं, बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन अब जो जनरल जो चीज़ चलती है वो चलती है मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है वो है रेलिवेंस ऑफ IQ एंड EQ। IQ आप लोगों को शायद पता होगा इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, और EQ जो है वो इमोशनल क्वेश्चन। तो EQ को EI भी बोलते हैं, और आज की जो है ना डेट में इसको EI ही बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन चूंकि ये प्रीवियसली चलती आ रही है बात EQ की, तो इसलिए आपके जो है ना इसमें कंटेंट में भी EQ का ही कहा गया हुआ था, इसलिए मैंने EQ वर्ड यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ इन्हेंसिंग EQ, इमोशनल क्वेश्चन को किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है। और लास्ट वन जो हमारे पास चीज़ है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं, ये दो तरह के होंगे, उस पर भी हम फर्दर बात करेंगे। अभी हमारे पास जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है इंटेलिजेंस। इसमें पहले भी बात किया कि इसकी डेफिनेशन आज तक जो है वो कंट्रोवर्शियल है इंटेलिजेंस की, क्योंकि इसको 100% कोई भी एग्जैक्ट इसको नहीं बता पाया। इसलिए हर जो है स्कूल ऑफ थॉट के डिफरेंट इसके परसेप्शन होते हैं, डिफरेंट इसके डेफिनेशन हैं। तो हम जस्ट जनरल पे बात करेंगे। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। बारिश में देखिए, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अक्वायर। पहली चीज़ अक्वायर, किस तरह से आप नॉलेज को अक्वायर करते हो, एंड अप्लाई, इसको अप्लाई किस तरह करते हो। हर किसी का नॉलेज अक्वायर करने का प्रोसेस डिफरेंट है, तरीका का डिफरेंट है, और हर किसी का उसको अप्लाई करने का। इवन जो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन की बेस पर होती है कि आप किस तरह से किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज जनरल कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यहाँ पे आप बताइए कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब जैसे ही आप लोगों को कोई काम असाइन किया जाता है, कोई टास्क असाइन किया गया, कोई असाइनमेंट दे दी गई, या कोई भी आपको काम साइन किया गया, तो हर किसी का उसको सॉल्व करने का, उसको क्रिटिकली देखने का तरीका का डिफरेंट है। ये हर किसी का इंटेलिजेंस का जो पैटर्न है ये एक दूसरे से वेरी करता है। अ मेंटल एबिलिटी इन्वॉल्व इन रीजनिंग, परसीविंग रिलेशनशिप्स एंड एनोलॉजीज, कैलकुलेटिंग, लर्निंग क्विकली। ये सब चीज़ें हैं जो आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करने का पार्ट होता है, और ये 100% सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जिनको बेसिक्स पे जनरल चीज़ों पर कहा जाता है ये उन्हीं की बात है। इसमें शायद आप लोगों को एनोलॉजीज का जो वर्ड है ये थोड़ा डिस्टर्ब करके ये चीज़ें किया है। तो एनोलॉजीज होती है कंपैरिजन, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, जब आप कंपैरिजन करके तो कंपैरिजन की बेस पे जब आप कोई रिजल्ट ड्री करते हो तो उसको एनोलॉजीज बोलते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इंटेलिजेंस होती हैं, और आप इसमें खुद को भी देख सकते हैं कि आपकी इनमें से कौन कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस हैं जो डोमिनेंट है। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं इसमें तो स्टडीज होती रही हैं, बहुत सी स्टडीज लोग करते रहे हैं, करते करते फिर इसमें से बड़ी चीज़ें लोगों ने निकाली हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट चल रही है और आज भी जिस चीज़ को फोकस किया जाता है वो यही है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमारे पास जो है 9 तरह की चीज़ें होती हैं, 9 इंटेलिजेंस होती हैं हमारे पास जिन पे हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। हर किसी में ये होती हैं, लेकिन किसी की कुछ डोमिनेंट होती हैं और कुछ होती हैं जो जिसमें वो थोड़ा सा वीक होता है उनका एरिया। तो इन्हीं की बेस पे उनकी थॉट्स डेवलप हो रही होती हैं, उन थॉट्स की बेस पे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी इंटेलिजेंस का जो पार्ट है ये अपना रोल प्ले करता है।
अगर हम फर्स्ट वन देखें तो फर्स्ट वन है हमारे पास नेचुरलिस्टिक, ये क्या होता है ये अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सेकंड वन है म्यूजिकल, थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिकल, फिर फोर्थ है एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, काइनेस्थेटिक, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल एंड लास्ट वन है स्पेशल। अब इसमें जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो प्रीवियसली बात अब की जाती थी इंटेलिजेंस की या लर्निंग मेथड्स, तो उसमें तीन चीज़ों पे बात की जाती थी कि लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं ना, जिसमें एक होता है आपका ऑडियो, एक होता है वीडियो और एक होता है काइनेस्थेटिक। ये पहले प्रीवियस चीज़ें हुआ करती थी। ऑडियो होता है जो आप जो है ना ऑडियो के थ्रू या किसी भी आपको MP3 का या कोई ऑडियो क्लिप दे दिया गया तो आप उसको सुन के, जैसे अभी इस टाइम मैंने वीडियो ऑफ की है तो आप जितनी लर्निंग कर रहे हो वो ऑडियो बेस्ड पे चल रही है, क्योंकि मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आप सुन के उसको शायद लिख रहे हो पॉइंट्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो नहीं लग रहे तो पता नहीं लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो वो आपको पता है। दूसरी चीज़ होती है वीडियो। अब जो वीडियो जो है ना वो जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन चल रही है, ये इधर से वीडियो है। और थर्ड वन होता है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक होता है कि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके उसको अप्लाई करते हो, उसको एक्सपेरिमेंट करते हो उन चीज़ों का। तो उसमें से एक पॉइंट यहाँ पर लिया गया काइनेस्थेटिक, और बाकी जो है वो सब में डील हो रहे हैं। अब आपको मैं पिक्चर की फॉर्म एक चीज दिखाऊंगा, ये आप लोगों के सामने हमारे पास आ गई है मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है हमारे पास, जो जैसे अभी सारी नाम पढ़े हैं हम लोगों ने, तो यहाँ पे टॉप राइट पे नेचुरलिस्ट तो फर्स्ट वन था आपके पास, यहाँ पे ऐसे का नेचुरलिस्ट। तो ये इसमें क्या क्या चीज होती है, ये वो लोग होते हैं जिनकी ये जिसकी ये इंटेलिजेंस डोमिनेंट होगी ना वो नेचर लवर होंगे, नेचर को यानी उनको पौधों में, दरख्तों में, जानवरों में, इन चीज़ों में इनका बड़ा इंटरेस्ट होगा ना, वो इन चीज़ों की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होंगे कि ये चीज़ें उनको, ये एडवेंचरस भी होंगे, ये एडवेंचर भी पसंद करेंगे, लेकिन नेचर लवर ज़्यादा होंगे, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर तो आप देखें इसमें लिखा भी हुआ है अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर। आपकी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें मैंने ये चीज़ देखी थी, बहर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो ये जो है ये नेचर लवर होते हैं, ये नेचर को लिविंग थिंग्स जो हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये उनमें इनका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। दूसरे हैं म्यूजिकल। अब जो म्यूजिकल है ये हमेशा साउंड्स को, रिदम्स को, ये जैसे मैं आपकी क्लास में पहले ही बोलता रहा हूँ कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जैसे ही वो कोई काम करेंगे म्यूजिक की आवाज़ आएगी ना वो फर्स्ट डाइवर्ट होंगे। ये म्यूजिक इनके ना म्यूजिक का इनको बहुत क्रेज होता है, उनको म्यूजिक को बड़ी जल्दी पिक करते हैं। इवन के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आप में से कि स्पेशली आप में से कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो घर के काम करती होंगी, पहले वो साफ गाने चलाती होंगी, सॉन्ग्स प्ले कर दिए तो घर के काम बड़े इजीली करती होंगी, या वरना उनको बोर होना शुरू होते हैं क्या बकवास काम करवाए जा रहे हैं हमसे। जब कुछ पढ़ना हो तो वो साथ हल्का सा म्यूजिक प्ले कर देंगे स्टूडेंट्स, तो साथ जो है ना साथ पढ़ते रहेंगे, साथ म्यूजिक सुनते रहेंगे। तो ऐसे जो लोग ना इनका जो इंटेलिजेंस है वो म्यूजिक की तरफ बड़ी डाइवर्ट होती है, ये म्यूजिक को बड़ा जल्दी पिक करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है वो है लॉजिकल मैथमेटिकल। अब जो लॉजिकल मैथमेटिकल जो है ना, ये आप लोगों के जो होते हैं लॉजिक पे बड़ा काम करते हैं, ये मैथमेटिक्स में, नंबर गेम्स में, फिगर्स में ये ब्रश होते हैं, ये हमेशा आप उनको मैथमेटिकल डेटा दे रहे हैं, ठीक है, आपके इन चीज़ों की बेस पे हमने रिजल्ट्स बनाने हैं तो आप हमें बताएं कि इसमें से क्या क्या रिजल्ट्स बन सकते हैं। तो ये उन चीज़ों को देखते हुए तो आप इनको देखें, ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें ये स्किल्स बहुत ज़्यादा है, ये इंटेलिजेंस बहुत डोमिनेंट है, वो मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, मैथ में, साइंस सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छे होंगे। तो वो हाइपोथेसिस डेवलप करना, अब आपको हाइपोथेसिस का शायद इतना आइडिया ना हो, रिसर्च में जो है ना पहले हाइपोथेसिस डेवलप किए जाते हैं, आप एक अजम्पशन क्रिएट करते हैं कि हमारा जो है ये रिजल्ट्स आएंगे, हम इस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, हमारे ये रिजल्ट्स हम लाना चाहते हैं, फिर आप उस पर रिसर्च करते हो, सो ऑन, आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसको फिर सॉफ्टवेयर पे जाके अप्लाई करके वहाँ से आप क्वांटिफाई करते हो, चीज़ों को ड्रीव करना शुरू करते हो, फिर आपको पता चलता है कि आपकी रिसर्च जिस पर आप करना चाह रहे थे वो इफेक्टिव है, वो पास हुई है, फेल हो गई है। तो हाइपोथेसिस जो है ना, जो अजम्पशन आपने क्रिएट की होती हैं वो उसकी चीज़ पर काम चल रहा होता है। तो ये जो लोग ना लॉजिकल मैथमेटिकल लोग, ये इन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ये स्किल्स बहुत डेवलप होती हैं, और ये नंबर गेम्स के बड़े अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अकाउंट्स के बड़े अच्छे होंगे, मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट आलों के पास है एग्जिस्टेंशियल। ये वो लोग हैं जिनको हमारे मुआशरे में लोग कहते हैं ये लोग पागल हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा ये ढूंढते हैं कि इंसान का दुनिया में आने का वजूद क्या है, ये क्यों आया, इसका आने का रीज़न क्या है, हम क्यों ज़िंदगी जी रहे हैं, हम यहाँ पर दुनिया में क्यों पाए जा रहे हैं।
और सिर्फ इंसान खुद नहीं बाकी जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ अगर दुनिया में है तो ये क्यों है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसको क्यों होना चाहिए, अगर हमने कल को मरना भी है तो हमें मर के करना क्या है, कहाँ जाना है। ये चीज़ें आप भी बचपन में ना कुछ आप में से भी लोग सोचते होंगे और ये मोस्टली लोग सोचते भी हैं। मैं भी जब छोटा था मैं भी सोचता था कि हम दुनिया में कैसे आए, हमारा दुनिया में क्या काम है, अगर हम मरेंगे तो फिर क्या होगा, मरने के बाद की दुनिया क्या होगी। तो ये चीज़ें माइंड में आती हैं और जो ना जिनकी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस डोमिनेंट होती है वो ये चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, तो वो इन चीज़ों में भी रिसर्च करते हैं कि अगर आप देखें ना फॉरन में बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ पे इंसान के वजूद पे जो है पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स बना के तो उस पर उनकी रिसर्च चलती हैं। नेक्स्ट वन है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल लोग जो हैं इनको बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में पीपल ओरिएंटेड। सोशल लोग होते हैं, ये लोगों में उठना बैठना, इवन अगर सोशल नहीं भी हैं तो इस हद तक इनमें स्किल्स होंगी कि किस मौके पे क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, लोगों से किस तरह मिलना है, लोगों की फीलिंग्स को किस तरह हमें जज करना है, उनको किस तरह से एक्सप्रेस करना है उनके सामने, इनके इनको ना पीपल डीलिंग जो है इनकी बहुत अच्छी होगी। इंटरपर्सनल वालों को ये लोगों को बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन किस नेचर का है, किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, किस तरह से हमें हर बात पर रिस्पॉन्ड करना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है बॉडली किनेस्थेटिक। जैसे कि पहले एक वर्ड पूछा था किनेस्थेटिक, किनेस्थेटिक में क्या है कि जो चीज़ आपने सीखी होती है ये तब तक इनको सही तरह से समझ नहीं आती जब तक वो उसका एक्सपेरिमेंट ना करें, उसको इम्प्लीमेंट ना करें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे। अगर आप देखें इसमें भी लिखा है कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड विद योर बॉडी, कि जो आपके दिमाग में जो नॉलेज आपके दिमाग में है जब तक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो उसको उतना अच्छा समझ नहीं पाते। इसमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल इंजीनियर्स की, इंजीनियर्स को आप थ्योरीज पढ़ाते रहेंगे, वो थ्योरीज पढ़ते रहेंगे, अच्छा जी ये वो है, जब तक वो हाथ से प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उनका जो है ना उस तरह से उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, ना ही उनकी लर्निंग होगी। तो ये लोग हाथ से किए हुए काम को पसंद करते हैं। अगर आप इसको देखें तो जब आप लोग छोटे थे तो आप में से जो स्पेशली मेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये काम बहुत किया होगा जिनमें इंजीनियरिंग का कीड़ा पाया जाता था। उन्होंने अपने जो खिलौने हैं ना, अगर उनके पास कोई कार है या कोई ऐसे सेल्स वाली या मोटर वाली कोई चीज़ है तो उन्होंने सबसे पहले उसको खिलौने को खोला होगा, खोल के उसके नीचे मोटर निकाल के उस मोटर को साथ सेल के साथ जोड़ के उसके ऊपर कागज या रबड़ चढ़ा के घुमाएगा, ये देखिए जी मेरी आप इंजीनियरिंग देखी। तो जब तक ये कोई पंगा ना ले हाथ से कोई चीज़ खोल के उसको दोबारा बंद ना करें और सारा एक्सपेरिमेंट्स ना करें तब तक वो लोग उससे अच्छी तरह सीख नहीं पाते। नेक्स्ट हमारे पास है लिंग्विस्टिक। अब जो लिंग्विस्टिक है ये लोग वर्ड्स के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, अल्फाज के खिलाड़ी होते हैं, बेशक वो स्पीच के थ्रू हो, किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं या अगर ये ईमेल कर रहे हैं या रिटर्न में किसी को लेटर लिख के भेज रहे हैं, तो ये लफ्जों के खिलाड़ी होते हैं जिनको पता होता है कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जो हम जिससे हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। इसमें हमारे पास पोइट आते हैं, पोइट अपनी पोइट्री में अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह स्पीच में जो हमारे डिबेटर्स होते हैं वो अपने वर्ड्स को स्पीच को या कहीं पर डिबेट में वैसे वर्ड यूज़ करते हैं कि जिससे वो आपको कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों में। सेल्स के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो सेल्स के पर्सन वो अपने वर्ड से बंदे को जो है अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं और उनकी फीलिंग्स तक पहुँचते हैं। तो ऐसे लोग जो लफ्जों में बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कौन से मौके पर कौन से वर्ड्स लेके आने हैं, किस तरह से वर्ड्स हमको जनरेट करने हैं, वो लिंग्विस्टिक का जिनका पार्ट डोमिनेंट होता है ये वो लोग होते हैं जो अच्छे मौके के मुताबिक अच्छी सिचुएशन के मुताबिक अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल जो है ये होते हैं वो स्किल जिसमें आप खुद को असेस करते हो। आगे जाके पार्ट आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में एक पार्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस, वो ये वाले लोग कि जिनका इंट्रापर्सनल जो खुद के बारे में जानते हैं कि हाँ मुझे क्या पता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मैं कौन सा काम ठीक तरीके से कर पाता हूँ, कौन सा नहीं कर पाता, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, मेरी कौन सी स्किल्स जो हैं जो लैकिंग एरियाज मेरे आ रहे हैं उसमें, ठीक है, ये खुद के बारे में असेस ज़्यादा करते हैं बजाय लोगों को असेस करने के, ये खुद को करते हैं कि मैं क्या अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या मुझे क्या चीज़ अच्छे तरीके से करनी है या करनी चाहिए, ये उस चीज़ को असेस करते रहते हैं। तो इंट्रापर्सनल वो लोग होते हैं जो खुद को बहुत बेहतर जानना शुरू कर देते हैं और ये स्किल्स भी बहुत से लोगों में पाई जाती हैं, स्पेशली जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनमें ये बहुत पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल। स्पेशल जो है ये दुनिया को विजुलाइज करना है, ठीक है, 3D का आप लोगों ने नाम सुना होगा, 3D वर्ल्ड। ये इसी तरह हमारे पास 3D एनालिसिस भी होते हैं, हमारे पास
स्पेस टेक्नोलॉजी का भी शायद आपने नाम सुना होगा, जो स्पेस में जो चीजें मूव करती हैं एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज जो मूव करती हैं, वो उनकी असेसमेंट करना, ये दुनिया को नए परस्पेक्टिव में देखते हैं। वो जो आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो आईटी में जिनका बहुत इंटरेस्ट है, वो इस स्किल में उनकी बहुत स्ट्रांग होगी, स्पेशल स्किल जो है। इसी तरह इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, उसमें जो इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स की स्पेशल स्किल स्ट्रांग होगी। तो ये स्किल्स होती हैं जो आपको 3D वर्ल्ड, जो आने वाला वक्त है, जो आप उसको 3D फॉर्मूला के या टेक्नोलॉजी के वे में, आप उस वे में जो ना चीज़ों को डेवलप करते हो, तो ये हमारे पास होती हैं 9 मल्टीपल इंटेलिजेंसेज। इनको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, दूसरे वर्ड्स में इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हमारे पास अब है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अभी तक हमने जिस बात की थी इंटेलिजेंस पे, इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती है, हम इसमें हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी है और इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी एक है। अब इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है, ये हमारे लॉजिकल वे में चीज़ होती है। आपको शायद याद होगा कि एक क्लास में मैंने बात भी की थी IQ की, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें चेक किया जाता है कि एक इंसान का क्या जो दिमाग है, क्या उसी तरह से वर्किंग करता है जो उसकी एज है, क्या उसकी एज के मुताबिक ही वो वर्क कर रहा है। जैसे मैंने आपको ये भी कहा था, समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई इंसान 30-35 साल का रहता है, लेकिन बाप जब वो करता है ऐसा होता है ये 10-15 साल के बच्चे की तरह की हरकतें कर रहा है, उसकी तरह बातें कर रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो उसकी एज है और उसकी मेंटल एज है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, वो अपनी एज के मुताबिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो अपनी उनके दिमाग इतनी एज से भी बड़ी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है, इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक तरीका है। इंटेलिजेंस को मेजर किस तरह से करते हैं, इसके लिए मुख्य टेस्ट भी IQ टेस्ट होते हैं और मुख्य ये पाए जाते हैं काफ़ी जगहों पर। ये एल्फ्रेड बिनेट जो है, ये उसका बेसिकली सबसे ज़्यादा जो चलता है वो इसलिए चलता है, द होल ऑफ कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। आप देखिए कॉग्निशन का हमारे हर चैप्टर में चलता आ रहा है। ये जब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये बिहेवियर साइंस है, ये बिहेवियर्स पे है, तो बिहेवियर हमारे कॉग्निशन की बेस पर हैं, हमारे दिमाग के प्रोसेस पर हैं। पिछला चैप्टर भी था, उसमें भी कॉग्निशन था, उससे पिछला चैप्टर था उसमें भी कॉग्निटिव थ्योरी थी। तो इसमें भी आप देखें इंटेलिजेंस क्वेश्चन की जहाँ बात आई है, आपका दिमाग का इस्तेमाल है, तो वहाँ पर भी कॉग्निशन की बात आई है। द होल ऑफ कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नॉलेज एंड टू यूज दैट नॉलेज इन अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू हैव अ वेल डिस्क्राइब्ड गोल एंड स्ट्रक्चर। IQ ही सीख रहता है कि आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, इसमें फिजिकल की बात नहीं की जा रही, इसमें इंटेलेक्चुअल की, आपका दिमाग, आपका ब्रेन प्रोसेस, आपका आइडियाज, वो किस तरह से आप उन नॉलेज को किस तरह से ऑब्टेन करते हो। इससे पहले एक्वायर की बात हुई थी, जहाँ पे इंटेलिजेंस की बात चल रही थी, किस तरह से आपने एक्वायर किया नॉलेज, उसको किस तरह से ऑब्टेन रखा, किस तरह से आप उसको कंटिन्यू रख रहे हैं, और किस तरह से आप प्रॉब्लम्स को, इन फ्यूचर जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स ये नहीं कि जो आपको मुसीबतें आ रही है, नहीं, जिस चीज़ के लिए आपने काम करना, जिस चीज़ पर वर्किंग करनी है, वो भी प्रॉब्लम होती है, उस जो है रिसर्च की बेस में। साइंटिफिकली जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई टॉपिक जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे अब ये सब्जेक्ट पढ़ें तो ये नहीं कि ये प्रॉब्लम आपको तंग करने वाली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आप क्या सीखना चाह रहे हैं, तो उस पर जब आप काम करते हैं तो आप किस तरह से अपने इंटेलिजेंस को, अपने एबिलिटीज को यूज़ करते हुए चीज़ें ड्रीव कर रहे हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। दिस इज अ मैथमेटिकल फार्मूला दैट इज सपोज्ड टू बी अ मेजर ऑफ अ पर्सन्स इंटेलिजेंस। ये मेजर कैसे होती है आपका IQ? आपका IQ जो है, माइक ऑफ रखें जिसका भी ऑन है, आपका जो है IQ, ये आपकी मेंटल एज, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है क्रॉनिकल एज। आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है ना आपकी, वो आपकी यानी जो डेट ऑफ बर्थ से लेके अभी तक जो आपकी एज मानी है, कोई आप में से 20 साल का होगा, कोई 22 साल का, या कोई 18-19 साल का, जो भी एज आपकी, उसको फिर जो है सॉरी डिवाइड किया जाता है क्रॉनिकल एज साथ, मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। अगर तो आपका मेंटल एज 20 है और आपकी अपनी जो एज है, आप 20 साल के वैसे भी हैं, तो क्रोनोलॉजिकल जो एज है आपकी वो भी 20 है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी एज के मुताबिक अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखिए ना, कभी आप कभी भी कोई IQ टेस्ट देंगे तो आपके स्कोर इसी तरह से आएंगे, 100, 150, 125 या बिलो 100। बिलो 100 का मतलब है आप अपनी एज से पीछे हैं बहुत अभी दिमागी तौर पर। तो खैर, ये टेस्ट आपको ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल भी होते हैं। अब हमारे पास जो है ना दूसरी चीज़ है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है,
अक्सर हम बात करते हैं इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसे बेसिकली ये पांच चीजें होती हैं, पांच डोमिनेंट चीजें होती हैं, तो वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कौन सी होती हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन होता है कि आपके इमोशंस पे, और जैसे मैं पहले भी बात करता हूँ कि शुरू में पहले ये बात कही जाती थी कि आई क्यू जो है, जिसका आई क्यू स्ट्रांग है वो दुनिया के कामयाब लोग तरीन इंसान है। तो आज कहा जाता है कि नहीं, जिसका ई क्यू स्ट्रांग है, जो इमोशनली स्ट्रांग है वो कामयाब है, आई क्यू वाले इतने कामयाब नहीं है। जबकि दोनों का इम्पैक्ट है, दोनों अपनी जगह पे इफेक्टिव है, लेकिन बेसिकली अगर जनरल सेंस में देखा जाए तो ई क्यू वाले आज के दौर में ज्यादा सक्सेसफुल है। द एबिलिटी टू मोनिटर वंस ऑन एंड अदर पीपल्स इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट इमोशंस एंड लेबल देम अप्रोप्रिएटली, एंड यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर। इमोशनल क्वेश्चन में बात यह है कि आप खुद को, अपने इमोशंस को, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, उसके अलावा आप दूसरों के भी सोशल आपके सेंस, ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस, इसमें एम्पथी, एम्पथी में बताऊंगा वो होता क्या है, इन चीज़ों को आप, अब दूसरे इमोशंस को आप चेक करते हो। और जहां मैं बात कर सकता हूँ ना ह्यूमन पर्सनैलिटी की असेसमेंट की, तो उसमें एक जगह आती है जहां पे आता है आपके पास थिंकिंग एंड फीलिंग। जो होते हैं थिंकिंग वाले लोग वो आई क्यू में स्ट्रांग होते हैं, उनका आई क्यू जो है ना वो स्ट्रांग होता है। जो होते हैं ना फीलिंग्स वाले लोग, उनका इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होता है। ये लोगों की फीलिंग्स पे करते हैं, कुछ सेंसिटिव बहुत होते हैं ये लोग, वैसे सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं। कोई दुखी है तो दुखी हो जाएंगे, दूसरों को भी फील करेंगे, किसी किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए उस चीज़ों में सोचेंगे, तो मुझे किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए, किस मौके पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, ये इन चीज़ों को देखते हुए, अगर आप देखें लास्ट पे लिखा गया है एंड टू यूज इमोशनल इन्फॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर। अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए या उसको यूज करने के लिए, ये अपने इमोशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको यूटिलाइज करते हैं पहले, कि इस टाइम मेरे इमोशंस के, तो इसी के मुताबिक वो उस तरह से इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हमारे पास आता है रेलिवेंस ऑफ आई क्यू एंड ई क्यू, इनके हम रेलिवेंस की बात करते हैं। अगर हम आई क्यू की बात करें, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, विजुअल एंड स्पेशल प्रोसेसिंग, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई हमारे पास पिक्चर्स हैं, या अगर जैसे मैं अभी आपको ये स्लाइड आपके सामने ये पिक्चर है, तो आप इसको देखते हुए आप इस पर अपने दिमाग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया आपने कि हाँ अब ये चीज़ क्या है, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पीछे क्या हो सकते हैं, तो इसकी बेस पे आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आपका दिमाग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड में अगर हम बात करें ना, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आई क्यू वाले ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं, ई क्यू वाले ज़्यादा दिल से काम करने वाले, जनरल सेंस में, जबकि हर जगह पर हमारा दिमाग काम करता है, दिल इतना काम ही करता है, दिल का काम सिर्फ ब्लड सप्लाई करना और बाकी जो उसके सोन चीज़ें हैं वो उसका काम वो है, लेकिन जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पर नॉर्मल सेंस क्रिएट की जाती है। उसके बाद हमारे पास आई क्यू की जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हमारे पास नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी लॉजिकली हम देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा किसने किया, क्यों किया, कब, कैसे, क्यों, ये जो जितनी चीज़ें ना ये हमारे आती हैं आई क्यू से रिलेवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लॉइड रीजनिंग, हम हर चीज़ पे लॉजिक स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग का मतलब ये हम लॉजिक से निकालना शुरू करते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने किया, इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं नुकसान क्या होगा, इसमें फ़ायदा नुकसान चलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्किंग मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी ह्यूमन मेमोरी में जब पढ़ा गया था, या जिसमें इनकोडिंग था हमारे पास, फिर जो उसको हम करते हैं स्टोरेज, स्टोरेज के बाद हम फिर रिट्रीव करते हैं अपने माइंड से मेमोरी के पार्ट में, तो वो हमारा आई क्यू का पार्ट है। और लास्ट वन हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जब भी हम किसी चीज़ की रीजनिंग करें, लॉजिक्स फाइंड करें, तो हम इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी करते हैं, ठीक है, हम इसके इसको ले आएंगे स्टैटिक्स में ले आएंगे, कितने पॉइंट्स ये चीज़ ज़्यादा जा रही है, कितने पॉइंट्स कम जा रही है, किस तरह से ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम जब देखना फैक्ट्स एंड फिगर्स में लेके आएंगे, तो ये हमारा आई क्यू का पार्ट है। दूसरी तरफ हमारे पास है इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज़ है, आइडेंटिफाइंग इमोशंस, हम इमोशंस फाइंड कर देते हैं कि कौन क्या फील कर रहा है, ये आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं ये किसी दूसरे के नहीं, हम खुद के भी कर सकते हैं कि मैं ऐसे क्या फील कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस क्या है, मैं खुश हूँ, गुस्से में हूँ, दुखी हूँ, दूसरा क्या है जिसके बारे में हम असेस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इवेल्यूएटिंग हाउ अदर्स फील, दूसरे क्या फील कर रहे हैं, हम उसको इवेल्यूएशन पर स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग वंस ओन इमोशंस, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना भी, सिर्फ ये नहीं कि हम फील क्या कर रहे हैं,
उसको भी कंट्रोल करना भी, जैसे समटाइम हम किसी पोथरी पे गए हैं तो वहां पे हमें कोई मजाक सूझ गया, तो वहां पे हमें मजाक को ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है, हमें वहां पे ये नहीं हंसी मजाक शुरू करना है, हम फोर्थ पे हैं। तो ये क्या है, आप अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करना, परसीविंग हाउ अदर्स फील, ये परसेप्शन डेवलप करना कि अगर इस सिचुएशन में ये काम चल रहा है तो दूसरे क्या फील कर रहे हैं मेरे बारे में, या उस सिचुएशन के बारे में वो क्या फील कर रहे हैं, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट सोशल कम्युनिकेशन, हम अपने इमोशंस को यूज करते हैं सोशल कम्युनिकेशन में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है, फोर की एक सोशल गैदरिंग है जहाँ पे हम लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे हमें अपने इमोशंस यूज करने हैं कि मुझे यहाँ पे जो फील कर रहा हूँ क्या वैसे रिस्पॉन्ड करना है, कि यहाँ पे लोगों की डिमांड ही है उस सिचुएशन के मुताबिक मुझे रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू अदर्स, आप जो इमोशंस होते हैं आप उनको दूसरों से रिलेट भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी, आप खुद को दूसरे की जगह पर रख महसूस करते हो, अगर इसकी जगह मैं हूँ तो ये चीज मेरे साथ हो रही है तो मैं कैसा फील करूंगा। तो इसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस की हम जो बात करते हैं, इसमें जो मेन चीजें हैं वो पांच होती हैं, वो मैंने यहाँ स्लाइड्स पे नहीं रखी हुई। डैनियल गोलमैन एक फिलोसोफर भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, तो उसके मुताबिक पांच चीजें होती हैं। एक होती है हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस, कि हम खुद के बारे में कितना जानते हैं। दूसरी हमारे पास होती है सेल्फ कंट्रोल, कि हमारा खुद पे कितना कंट्रोल है। जैसे आप देखें इधर भी उन चीज़ों की बातों चीज़ों की डिस्कशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मोटिवेशन, हम खुद को सेल्फ मोटिवेशन, हम खुद को कितना मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ की तरफ अपने इमोशन को यूज करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास होता है एम्पथी, एम्पथी होता है कि हम खुद को दूसरे की जगह पर रखकर फील करते हैं, अगर उसकी जगह पर हम हो तो ये चीज़ हमारे साथ हो रही तो उस टाइम क्या हो। जैसे आजकल लॉकडाउन है, इसमें बहुत से लोग इसी को फील कर रहे हैं कि अगर इंसान लोगों की इस टाइम जॉब्स खत्म है, लोगों के पास इनकम सोर्स कोई नहीं है, वो फील कर रहे हैं कि अगर यार इनकी जगह पे हम लोग हों तो हमारे साथ ही काम हो, हमारा इनकम सोर्स बंद हो जाए, हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। वो फिर क्या करते हैं कि उनमें फिर जेनरोसिटी जो है और लोगों की हेल्प करने का डोनेशन का काम ये ज़्यादा बढ़ गया, लोगों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं कि नहीं यार हम पे अगर ऐसा वक्त है तो हम पे क्या गुजरेगी, इसलिए दूसरों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। तो ये एम्पथी है। और लास्ट वन होता है हमारे पास सोशल कॉम्पिटेंस, इस सोशल इन्वायरमेंट में लोगों में जब हम होते हैं तो हमें वहाँ पर किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से चलना है, क्या क्या हमें चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स टू इम्प्रूव ईक्यू, हम अपना ईक्यू जो है इमोशनल क्वेश्चन जो है इसको या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ है रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अगर मुझे किसी ने कोई बात कह दी मुझे बुरी लग गई, मैंने आगे से जाता उसको जलील ही ना करना तब तक मुझे मजा नहीं आना, तो ये क्या है, ये रिएक्ट है कि जो एक्ट आया हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, जैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है। अगर किसी ने हमारे साथ बदतमीजी की है तो हमें इस वे में बात करनी है कि किसी का जलील भी ना हो और हम अपना मैसेज भी कन्वे कर दें, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है, रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, जो रिएक्ट आई लड़ाइयाँ करवाया था उससे। एक्टिव लिसनिंग स्किल, जैसे आप देखें पहले हमारे टॉपिक आया था कम्युनिकेशन का, गुड कम्युनिकेटर्स की कुछ एग्जांपल्स दी गई थी, कुछ उसके पॉइंट्स थे, उसमें भी एक्टिव लिसनिंग था, यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग, ये आप अपना ईक्यू तब ही इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप किसी की सुनते हैं बात, जब तक आप उसकी पूरी बात सुनेंगे नहीं तो आपकी फीलिंग्स जनरेट नहीं हो सकती उस तरह से। नेक्स्ट है एम्पथाइज विद अदर्स, आप दूसरों के साथ एम्पथी, यानी आप खुद को उनकी जगह पर रखकर फील करें कि वो क्या फील कर रहा होगा उस टाइम पे। बी मोटिवेटेड, मोटिवेशन ये तो हर जगह पे बहुत कंपल्शन है चीज़ की, कि आप जब तक मोटिवेटेड नहीं है किसी पॉइंट पे आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है वो डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, ये हर किसी के लिए आसान काम नहीं है लेकिन इसे कोशिश करनी चाहिए, आप सेल्फ अवेयरनेस पर प्रैक्टिस करें। अगर हम इलामा अकबाल की बात करें तो उन्होंने भी इसी चीज़ पर फोकस की है, खुद ही पे, तो खुद को जानो, तुम्हारे अंदर क्या सलाहित हैं, अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है, तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज लिखी हैं, वो देखो जानो अपने आप को। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जिस आप इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका आप इन्फ्लुएंस होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के बीच में तो आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। अगर 5-6 साल पीछे चले जाएँ तो मैं खुद भी थोड़ा सा पैसिमिस्ट था, मेरा इन्वायरमेंट कैसा था, मैं हर जगह पर कोई सराउंडिंग्स में लोग ज़्यादा पैसिमिस्ट थे, वो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते थे, मैं भी हर चीज़ नेगेटिविटी ढूंढना शुरू हुआ था।
बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप करनी पड़ी स्किल, तो ये डेवलप करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक क्रिटिक वेल। अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है ना, तो उसका क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करें, बजाय इस पर आप ऑफेंड हो, आप गुस्सा करें। जैसे एक हमारी क्लास में हुआ भी था, कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे, तो उन्होंने आके बीच में वल्गैरिटी स्टार्ट कर दिया, सब जो भी था आउटसाइडर से। उस टाइम पे अगर बदतमीजी में रिस्पॉन्ड किया तो बात बढ़ती है मजीद, इसलिए वहाँ पे ऑफेंड नहीं होना पड़ता, वहाँ पे आपको थोड़ा असर्टिव वे में चलना पड़ता है। और नेक्स्ट भी हमारी चीज़ यही है, असर्टिव कम्युनिकेशन। जो आपकी कम्युनिकेशन है वो असर्टिव होनी चाहिए, जो टू द पॉइंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और लास्ट वन है हमारे पास सोशल अप्रोचेबल, कि आप लोगों अगर अपना EQ डेवलप करना है तो आपको सोशल होना पड़ेगा। लोगों में उठे बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें सोसाइटी में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किस किस मेंटेलिटी के लोग होते हैं, हमें किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। मतलब लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड पे हम लोग करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी जहानत को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अब जेनेटिक फैक्टर्स जो है, जो हमारे जीन्स में हमें इनहेरेंट होते हैं, हमें हेरिडिटी में जो चीज़ें आती हैं, विरासत में आती हैं कुछ चीज़ें, वो भी होती हैं। और आप एक चीज़ देखें, जो ट्विंस होंगे ना, ट्विंस जो बच्चे होंगे, उनका इंटेलिजेंस अब जो है ना फैक्टर, वो ऑलमोस्ट सेम होगा। यहाँ तक बाकायदा एक रिसर्च भी की गई थी, जिसमें दो बच्चे थे जो ट्विंस थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको बचपन में अलग अलग लेके ना, तकरीबन 30-35 साल उनको अलग रखा था, और 30-35 साल बाद भी जब उन पर रिसर्च की गई कि इनकी चॉइसेस क्या हैं, इनका मामला क्या है, दोनों के पास सेम कार, सेम डिज़ाइन का घर, सेम ड्रेसिंग वो करते थे, हालांकि वो आज तक कभी मिले ही नहीं, 35 सालों कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं, लेकिन क्या था कि उनकी पसंद नापसंद जो काफ़ी चीज़ें थी ना, उनकी ऑलमोस्ट 80% चीज़ें जो उनकी थी वो सिमिलर थी, क्यों, वो जेनेटिक फैक्टर्स थे कुछ। तो इससे जो ट्विंस होते हैं उनका इंटेलिजेंस में भी ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। और जो हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो दूसरी चीज़ है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी हमारे इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा होता है। जैसे हमारी एजुकेशन, जितना हम एजुकेटेड होते जाएंगे, एजुकेशन वो नहीं जैसा कि हम कर रहे हैं कि यहाँ पे बस ठीक है डिग्री चाहिए, नॉलेज हो या ना हो, जो सही तरह से एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, उन लोगों की थॉट्स में, उनकी इंटेलिजेंस में दूसरे लोगों से काफ़ी फर्क पाया जाएगा। प्री मेच्योर बर्थ, कुछ बच्चे जो अपनी पैदाइश से पहले ही पैदा होते हैं, जो ड्यूरेशन होता है उससे पहले ही उनको सीजेरियन के थ्रू या सी सेक्शन के थ्रू पहले करना पड़ता है, तो उनका भी जो है ना, उनकी इंटेलिजेंस थोड़ी वीक होती है। न्यूट्रिशन, अगर आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका दिमागी तौर पर आप इफेक्ट होते हो, पोल्यूशन से इफेक्ट होता है, आपकी ड्रग्स, ठीक है, जो मेडिसिन होती हैं उससे इफेक्ट होते हैं, अल्कोहल से आपका इंटेलिजेंस बहुत फर्क पड़ता है, मेंटल इलनेस से स्ट्रेस को आपको बेरगड़ करती है। आपका अगर नेक्स्ट टॉपिक भी कहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो अभी मीटिंग क्लोज होने वाली है, तो मैं दोबारा एक मीटिंग स्टार्ट करता हूँ 5-10 मिनट की सिर्फ होगी।